यूएई ने 20 देशों के नागरिकों के दुबई आने पर प्रतिबंध लगाया। मैं हूं शाहबाज खान और आप देख रहे हैं यूएई खबर। यूएई ने 20 देशों के नागरिकों के दुबई आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। डीडब्ल्यू अफ्रीका की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने घाना, नाइजीरिया और सूडान सहित 20 अफ्रीकी देशों के दुबई जाने के इच्छुक लोगों के लिए वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। डिटेल्स के अनुसार इन देशों के कई विजिटर्स अपने वीजा से अधिक समय तक यूएई में रुके, यानी कि वीसा एक्सपायर होने के बाद भी यूएई में रुके और अक्सर अपने वीसा को वैलिड बनाए बिना अवैध रूप से संयुक्त अरब अमीरात में काम करते रहे हैं, जिसकी वजह से यूएई ने यह फैसला लिया है। एक महीने पहले नाइजीरिया ने कहा था कि उसके 40 साल से कम उम्र के नागरिकों को यूएई के लिए पर्यटक वीजा नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यूएई ने अपने वीजा नियमों को बदल दिया था और यंग नाइजीरियाई लोगों को पर्यटक वीजा देना बंद कर दिया था। चलिए अब उन 20 अफ्रीकी देशों के बारे में आपको बताते हैं जिनके नागरिकों के दुबई जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। घाना, सेरा लियोन, सूडान, कैमरून, नाइजीरिया, लाइबेरिया, बुसरंदी, गिनी गणराज्य, गाम्बिया, टोगो, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सेनेगल, बेनिन, आइवरी कोस्ट, कांगो, रवांडा, बुर्किना फासो, गिनी बिसाऊ, कोमोरोस, युगांडा। जानकारी के लिए बता दे कि यह पहली बार नहीं है जब अफ्रीकी देशों को दुबई की यात्रा पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ा है। 29 दिसंबर 2021 को दुबई स्थित एक प्रमुख एयरलाइन अमीरात ने 8 अफ्रीकी देशों के यात्रियों को दुबई की यात्रा करने या वहां से गुजरने पर रोक लगा दी थी। यह कोविड-19 के ओमिक्रॉन एडिशन के बारे में चिंताओं के कारण आया था। तब इस सूची में घाना, युगांडा और केन्या जैसे देश शामिल थे। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय प्रवासियों को 2024 से कॉन्सुलर पासपोर्ट वीजा CPV वेरिफिकेशन और देश भर में भारतीय विदेशी नागरिक OIC सेवाओं के लिए एक नए एकीकृत केंद्र की शाखाएं मिलेंगी। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात के सभी प्रमुख शहरों में ये सेवाएं प्रदान करने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बोली लगाने की अंतिम तिथि सोमवार 28 अगस्त है और कॉन्ट्रैक्ट बुधवार 18 अक्टूबर को दिया जाएगा। केंद्रों को शुरू करने के लिए 2 महीने की अवधि होगी और संचालन 1 जनवरी 2024 तक शुरू होने की उम्मीद है। वर्तमान में 2 कंपनियां आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। BLS इंटरनेशनल पासपोर्ट और वीजा आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है और IVS ग्लोबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेवाओं को संभालता है। इसका उद्देश्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करना, वेटिंग टाइम को कम करना और निकटतम शहर में सेवाएं प्रदान करना है।